हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं अभी रेडी हूँ कॉलेज जाने के लिए। मैं कॉलेज बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। एक छोटा सा काम आया है कॉलेज में। कॉलेज जाना है मुझे फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म तो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, तो मैंने सोचा कि टीचर से मिल के बात कर लेते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगी। वैसे कॉलेज मेरा चल नहीं रहा है, मतलब पढ़ाई के लिए नहीं चल रहा है। अगर आपको कोई काम वगैरह है तो आप कॉलेज में जाके डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ कुछ टीचर लोग आ रहे हैं, उसी काम से जा रही हूँ मैं। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कॉलेज जाने के नाम से, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ना बाहर गई नहीं ना इसके लिए। और मतलब मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाली हूँ। मैंने उन लोगों को बोला कि तुम लोग भी आओ यार, मिलते हैं, काफ़ी दिन हो गया मिले हुए। सबने बोला कि ठीक है। तभी शायद प्रिया आ चुकी होगी कॉलेज में। मैं थोड़ी सी लेट हूँ, लेट घर से निकली, और स्वाति भी निकल ही चुकी है घर से। तो मिलते हैं कॉलेज में। तो मैं पहुँच गई गांधी मैदान। यहाँ तक पहुँचने में आधे घंटे से ज़्यादा लग गया। मैं बोरिंग रोड से चली थी, मतलब इतना ट्रैफिक आज लग रहा है, जब क्या बोलूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब निकलती हूँ ना बाहर, मतलब इधर वाले रूट में, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। मतलब मेरी किस्मत ही बेकार रहती है यार, कभी भी मैं टाइम से नहीं पहुँच सकती, चाहे कॉलेज आ रही हूँ चाहे मार्केट आ रही हूँ। अभी देखते हैं यहाँ से और कॉलेज आने में कितना टाइम लगेगा। फाइनली दोस्तों, मैं कॉलेज पहुँच गई भारी सर दर्द के साथ। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि हेडफोन हो मेरे साथ, वरना सर दर्द छूटेगा नहीं। अभी ऐसा मूड हो रहा है कि थोड़ा चाय वाय कॉफ़ी वगैरह पी गया, ताकि सर दर्द आराम हो। बहुत भयानक वाला हुआ है। एक्चुअली मैं बहुत दिनों बाद निकली हूँ ना, मतलब घर से, वो भी इतने ट्रैफिक में, इसके वजह से। वरना पहले आती थी तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी देखती हूँ कैंटीन खुला होगा ना, तो मैं जाके चाय कॉफ़ी जो भी मिल जाए लूँगी मैं। पहले तो डिपार्टमेंट चलती हूँ। एक क्लास के कुछ बच्चे आए हुए हैं। ये अभिषेक है, अनंत है, और क्षतिज ना, हाँ याद आ गया नाम, बहुत दिनों बाद मिली हूँ ना इसलिए नाम भूल गई। कोई आया है अभिषेक कॉलेज में? अरे भाई, बस हम ही तीन चार हैं। कौन है? सपनों की रानी। सही है, रानी के बाल थोड़े छोटे छोटे हैं। अच्छा, पार्लर गई थी। दोस्तों, मेरी फ्रेंड्स आ गई है। ये है स्वाति, yes, और ये है प्रिया। अभी हमारा डिपार्टमेंट काम हो गया है, हम लोग जा रहे हैं मैथ्स डिपार्टमेंट पता करने के लिए कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, मैथ्स का CIA एग्ज़ाम। और ये देखिए हम लोग का मैथ्स डिपार्टमेंट। वो तो पीछे है मेरे। ये है मैथ्स डिपार्टमेंट। हमारा कॉलेज का काम हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। वहाँ एक छोटा सा काम अटका हुआ है, वो भी काम हो जाए फिर घर निकलेंगे। बहुत टाइम से हम लोग टहल रहे थे अपने कैंपस में ही। चलिए यूनिवर्सिटी भी दिखाती हूँ आपको। दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है जिससे हम लोग अंदर आते हैं, वो गेट बंद था, इसीलिए हमें इस वाले रास्ते से आना पड़ा, छोटे गेट से। और ये है इंक्वायरी काउंटर, मतलब ये पीछे का पार्ट है, आगे से थोड़ा अलग दिखता है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी इंक्वायरी कर सकते हो, मतलब फॉर्म कब आएगा, कब भरना है। मैं बहुत दिनों बाद यूनिवर्सिटी आ रही हूँ। यूनिवर्सिटी मेरे कॉलेज के एकदम पास में ही है, और मेरी जो दोनों दोस्त है भाग भाग के आगे गई, दिख नहीं रही है। ये है यूनिवर्सिटी, यहाँ पे काम होता है। बहुत सारा डिपार्टमेंट है, अलग अलग है, तो अभी पता नहीं कहाँ जाना है। ओए क्या हुआ? ऐसे यहाँ नहीं है, मुझे लग रहा है अंदर है, आगे है। चलो, मैं एक दो बार आ चुकी हूँ ना, तो मुझे आइडिया है। ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, अभी सिक्कर लगा हुआ है, हम पीछे से आए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गार्डन टाइप का बना हुआ है। ये है हमारा यूनिवर्सिटी, ये देखिए यूनिवर्सिटी का ऑफिस है। हमको इसी के अंदर जाना है और पता करना है। ये बहुत बड़ा है, इस साइड भी है और कुछ उस साइड भी है, आगे से भी जाने का रास्ता है, बहुत सारे रास्ता है जाने का। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का काम है, वो लोग भाग के आगे चला गया। मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में पीछे ही रह गई। पता नहीं मेरी दोस्त किधर गई, सब शायद इधर गई हैं, क्योंकि जो काम है इस साइड ही होता है।
मैं पीछे रह गई, वो भाग भाग के आगे चले आए। मैंने सोचा कि आई हूँ तो यूनिवर्सिटी दिखाई दूँ, इसलिए ये है यूनिवर्सिटी का आंगन। ये देखिए बढ़िया है, चारों तरफ से बंद है, ये खुले में अच्छा खासा स्पेस छोड़ा गया है, मतलब आंगन जैसा ही लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे आया हुआ पूरा का पूरा चौपट हो गया, क्योंकि हमारा काम हुआ ही नहीं, ऐसे ही आए और जा रहे हैं। यहाँ पे करीब हम 1-1.5 घंटे रुके हैं कि नहीं, और हम दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं और ये दौड़ दौड़ के भाग रही है, सबको मुझे भगाई पीछे से, अभी करे क्या, भागना पड़ा, सिचुएशन ही ऐसा था। हेलो गाइस, मी एंड पूजा दी एंड प्रिया दी, ऑल थ्री आर गोइंग टू विजिट न्यू प्लेसेस इन पटना, कालीघाट, एंड दैट नेम इज कालीघाट। दोस्तों हमारा काम नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी का, फिर हमने सोचा कि हम लोग क्या करें, चलो घूम के आते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं गंगा के तट पे, यहाँ कालीघाट है, थोड़ा सा मस्ती वस्ती करेंगे फिर घर के लिए निकलेंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो कम से कम 1.5 घंटे तो रुकना है। बोलो प्रिया, जल्दी नहीं है ना? नहीं, कोई जल्दी नहीं है। हमारे ग्रुप में ये थोड़ी सी शांत है, और ये तो चाइना का सुकून वाला फीलिंग फील करने वाले हैं, और आप लोग को भी फील करवाने वाले, सो यू कैन एंजॉय ऑल द इवेंट्स ऑफ कालीघाट। अरे मेरी एक फ्रेंड है ना, जिसकी अभी शादी होने वाली है, वो आई थी कालीघाट ये करने के लिए, वीडियो शूट होता है ना पहले, शादी के पहले करवाते हैं, प्री वेडिंग, हाँ प्री वेडिंग शूट के लिए आई थी। ओके, मैं कालीघाट बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, मैं तो फर्स्ट बार जा रही हूँ। पहली बार जा रही हूँ? yes, मैं भी फर्स्ट विजिट। मैं कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन मतलब बहुत पहले आई थी, 6-7 महीने पहले। ये रास्ता है, ये जो घाट है हमारे कॉलेज के एकदम पास में है, तो मैं कॉलेज के पीछे से आई हूँ, मतलब हम चाहें तो कॉलेज के पीछे वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं घाट पे। हम लोग पहुँच चुके हैं कालीघाट, और यहाँ पे 2 क्यूट कुत्ते के बच्चे थे, भाग गए। अरे वाह, तुमको नहीं बुलाया, तुम कहाँ आए? मैं छोटे वाले बच्चों को बुलाई। ओए चलो, अंदर जाने का मन नहीं है, क्या कर रहे हो दोनों? हम दोनों तैयार हो रहे हैं। मस्त है, बहुत दिनों बाद आई हूँ, बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं हम लोग। अच्छा ये शिवलिंग है, ये मंदिर है ना, यही कालीघाट का मंदिर है शायद, बंद है, पता नहीं, पहले कौन बताएगा। कृष्णा घाट, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। दोस्तों मुझे लग रहा था कि ये कालीघाट है, लेकिन ये कालीघाट नहीं है, ये है कृष्णा घाट पटना नगर निगम, यहाँ पे बोर्ड लग गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये घाट, एंड गंगा जी बहुत प्यारी लग रही हैं, काफ़ी चौड़ी दिख रही हैं, काफ़ी लंबी दिख रही हैं, और ये लोग फोटो के लिए रेडी हो रहा है लो, और ये बना है आदमी टहल सके, इसलिए काफ़ी चौड़ा बना है एंड काफ़ी बड़ा बना है। लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और बैठने के लिए भी बना दिया गया है थोड़े थोड़े जगह पे, ये आगे भी होगा। ओए कैसा लग रहा है यहाँ के, सुकून मिल रहा है? हम लोग घाट घूम लिए, काफ़ी मज़ा आया, हम लोग कम से कम 1-1.5 घंटे उधर ही रहे। अभी इवनिंग वो चला है, तो सोच रहे हैं कि घर निकले, अभी क्या करेंगे। तीनों लोग मिले, घूमे, इंजॉय किए, और अभी थक भी गए हैं, और पानी में बहुत सारा डुबकी भी लगाई है, देखिए पूरा भींग गया है, कुछ का पिक्चर्स भी निकाले, पूरे बाल खुले पड़े हैं। जैकेट मैंने प्रिया के बैग में डाल दिया है, क्योंकि मुझे गर्मी हो रही थी, इसलिए प्रिया जाएगी इस तरफ और हम स्वाति जाएंगे इधर, सेम प्लेस। अभी प्रिया जा रही है, प्रिया का जाने का टाइम हो गया, आज हम हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आज मैडम का बर्थडे था, बहुत लेट पता चला, पर बात ये है कि कुछ खाई पी नहीं, व्रत थी, बाय। अभी हम लोग ऑटो ले लिए गांधी मैदान के लिए, चल स्वाति। गांधी मैदान पहुँच गए हैं, और स्वाति किराया दे रही है, उसको पैसे चेंज कराने थे, इसलिए बोले कि आप रहने दीजिए, मैं ही कर रही हूँ। और यहाँ पे ऑटो लगा है, अगर आप यहाँ से ऑटो लेंगे तो स्टेशन जाएंगे, आगे से ऑटो लेंगे तो बोरिंग रोड जाएंगे, और हम दोनों को बोरिंग रोड जाना है, बोरिंग रोड, ठीक है, चलिए एक है उधर के, बाय बाय। स्वाति जा रही है, स्वाति का घर इधर ही आसपास में है, अभी मुझे चौराहा जाना पड़ेगा, मेरा घर चौराहा से आगे है,
मैं बोरिंग रोड आ गई। मैंने सोचा कि घर जाने से पहले आंसू के लिए कुछ ले लेते हैं खाने के लिए। हमारा गोलगप्पा पैक हो रहा है और ये है गोलगप्पा का पानी, चोखा और ये है पूरी। सही है, मेरा गोलगप्पा पैक हो गया। मेरा मूड नहीं है गोलगप्पा खाने का, मैं सिर्फ आंसू के लिए पैक करवाई हूँ। और अभी आ चुकी हूँ मैं घर पे। अभी जाऊँगी तो थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पीऊँगी। और मैंने जैकेट नहीं डाला क्योंकि मैं घाट पे गई थी ना, थोड़ा सा गीला उला हो गई हूँ, मैला हो गई हूँ, तो फिर जैकेट डालूँगी तो जैकेट भी ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हे भगवान, मेरा पेपर नीचे गिर गया, उठा लूँ पहले। ये देखो बेटू, बेटू यहाँ सामने आ, सामने ये देख। अरे बाप रे बेटा, सुनना कुछ नहीं लाई हूँ, शाम में दूंगी, शाम में। अभी कुछ नहीं, अभी तो मेरा ये रिजल्ट है बेबी। बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, आजा आओ आओ, इसके साथ दो मिनट खेलूँगी ना, शांत हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, सबको सबको बोलो हेलो, बोलो गुड इवनिंग, बोलो सबको, नौटंकी बाज लड़की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय मस्ती खोर।